आपको जिंदा दिलानी शहर लाहौर से। आज हम मौजूद हैं MMLM पर, और MMLM पे एक बहुत मेन यहाँ पे एक ब्रांड पापा जॉन्स पर, और यहाँ से कोशिश करेंगे कुछ इकोनॉमिकल डील का आपको रिव्यू दे सकें, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो बेसिकली आपको पता कि यहाँ पे हमारी इकोनॉमिकल सीरीज चल रही है, और इकोनॉमिकल सीरीज में एक ब्रांचेस को हमने कवर किया, और सेकंड जब हम पापा जॉन्स के हैं, यहाँ पे बेसिकली डील्स जो हैं ट्यूजडे पे डील्स हैं, बाय वन गेट वन फ्री, और वैसे भी यहाँ पे विंटर फेस्ट की एक डील चल रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं और इसको डील छोटा मीठे में भी इनका ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है मीठा तो जरूरी है खाने के बाद। आज हमारे साथ एक गेस्ट भी है जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, उनको बुलाते हैं। वैसे वो अक्सर हमारे साथ ब्लॉग्स में आपको नजर आते ही होंगे, आज इसके तालियां बज गई क्योंकि स्पॉन्सर किया है। बाद हम चलते हैं और आपको विजिट कराते हैं यहाँ के किचन का, और यहाँ के शॉर्ट्स दिखाते हैं मेकिंग के, और देन आपको रिव्यू देते हैं कि यहाँ पे इनका टेस्ट कैसा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंटिंग करके फीडबैक भी दीजिए। मेरे बाल बहुत बड़े हैं। खाना आ चुका है, सेफ्टी प्रिकॉशन, और यहाँ पे आपकी सफाई के लिए उन्होंने जो पंजाब फूड अथॉरिटी के रूल्स हैं उसके मुताबिक हमें किचन के लिए कैब दी थी। अब उतार ले यार। एंगल हमारे दो सेट है, एक मेन एंगल और एक बी रोल का एंगल। मेरे ये मेन एंगल सेट है। सेकंडली हमारा ऑर्डर आ चुका है, दो मीडियम पिज्जा, यहाँ पे इकोनॉमी डील्स है, यहाँ पे 1400 रुपीज के अंदर आपको एक लार्ज पिज्जा मिलता है, अमेरिकन बारबेक्यू कह लें या बारबेक्यू क्रंच, ये फ्लेवर है। एक और पिज्जा आ रहा है तो वो आप देखते हैं, बल्कि आ ही गया। थैंक यू सो मच। आ गए हैं दोनों पीछे और देख के रहा नहीं जा रहा, शुरू करते हैं जी। जनाब भूख बहुत ज्यादा लगी है। आप सर पिज्जा बर्गर स्टाइल में खाएंगे, देसी स्टाइल में? आई बर्गर स्टाइल में खाएंगे। थैंक यू। मैं देसी स्टाइल में खाऊंगा। अमेरिकन बारबेक्यू मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप तंदूरी और ट्राई करें। फजीता और हाफ तंदूरी जो है वो हमने मिक्स फ्लेवर करवाया, ग्रीन चिली से भरपूर नजर आ रहा है ये, सो मिर्चे ना लग जाए हमें, ट्राई करके देखते हैं। तंदूरी चिकन सॉस ले लेते हैं थोड़ी सी। अमेरिकन बारबेक्यू इनका हमेशा से फेवरेट यहाँ की स्पेशल आइटम रही है,
अमेरिकन बारबेक्यू आपका ऑनलाइन में आता है और वैसे इनके मेन्यूज में उसको लिखा गया है बारबेक्यू क्रंच। सो देखने में काफी जूसी लग रहा है ये, सो इसको सॉस के साथ ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाइट से तो कुछ भी पता नहीं चलता, सेकंड बाइट लेते हैं फिर आपको कुछ बताने की कोशिश। एक बाइट में मैंने एक पूरा पीस खा लिया। अगेन अमेरिकन बारबेक्यू या बारबेक्यू क्रंच इनका ये स्पेशल पिज़्ज़ा है। वैसे तो पापा जॉन्स की एक डील है जो थर्सडे को होती है, 2400 रुपीज़ के अंदर आपको 3 मीडियम पिज़्ज़े मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से महंगाई और बढ़ रही है तो हमें इकोनॉमी डील्स ढूंढनी पड़ती हैं। पापा जॉन्स इसमें सबसे आगे है विद इन 2400 रुपीज़, यानी कि अगर आप देखें 800 रुपीज़ का मीडियम पिज़्ज़ा बनता है, और पापा जॉन्स को अगर 800 का मिल रहा हो तो मेरा ख्याल आपको उसे अवेल करना चाहिए। कैटेगरीज की बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं टेस्ट की बात करूंगा। अमेरिकन बारबेक्यू जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी अभी ट्राई करता हूँ फिर बताऊंगा अमेरिकन बारबेक्यू कैसा है। लेकिन अभी मैंने चिकन तंदूरी ट्राई किया, मैं वही बता रहा था कि क्रस्ट जो है, हालांकि ये थिन क्रस्ट नहीं है, वरना ऐसा होता है कि थिन क्रस्ट आपको क्रिस्पी मिलती है, बट ये क्रस्ट ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है। बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि नॉर्मल क्रस्ट है बट वो क्रिस्पी है, ठीक है। अब पिज्जा खा रहे हैं तो पिज्जा आपको सॉसी मिलेगा और क्रस्ट के साथ आपको वो क्रंची फील आएगी, तो वो एक कॉम्बिनेशन जब बनता है ना तो वो बहुत अपीलिंग है। चिकन फजीता भी ट्राई करके देखते हैं कैसा है। इसमें कॉर्न्स हमें नजर आ रहे हैं और एलिपिनोज हैं और चिकन। नाउ आई एम गोना ट्राई द थर्ड वन। तो मैं एक और बात बता दूं कि आप मीडियम और लार्ज के अंदर ये ऑफर अवेल कर सकते हैं कि आप इसके एक ही के अंदर दो फ्लेवर्स कर सकते हैं। फजीता मेरे ख्याल से तंदूरी से ज्यादा अच्छा है, क्या कहेंगे? लेकिन फजीता भाई मैं कह रहा हूं ना सबसे टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। आप में से बहुत लोगों ने पापा जॉन्स विजिट किया होगा, आप भी कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन सा फ्लेवर खाया और आपको कैसा लगा। नहीं सर, अमेरिकन बारबेक्यू ट्राई करते हैं। वाह, शाह साहब का फेवरेट पिज्जा था, तो शुक्र है इन्होंने हमें चखने दे दिया। अंदर से बहुत क्रीमी है और क्रस्ट उनकी एज यूजुअल क्रंची है, तो ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा आखरी बाइट है। तो मुझे देगा नहीं, चलो मैं आखिरी बाइट खा लूंगा। अच्छा, बारबेक्यू क्रंच के बारे में मैं आपको एक बताऊं, ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें, बारबेक्यू सॉस वो ऊपर से ऐड होती है जब बन जाता है पिज़्ज़ा। मेकिंग में शॉर्ट्स देखने मायो होती है, जो उनकी जो भी बैटर आप कह लें, और उसके साथ वो चिकन डालते हैं, चीज़ होती है बस, और साथ मशरूम्स होते हैं। मशरूम्स बहुत ज़्यादा हैं, मशरूम्स एक बहुत अच्छी क्वान्टिटी के अंदर इन्होंने डाले हुए हैं। सो ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, लाहौर के नो डाउट बेस्ट पिज़्ज़ास के अंदर इनका भी नाम आता है, पापा जॉन्स एक बहुत बड़ा नाम है। नाम इसकी बर्थडे थी कुछ दिन पहले, तो हमने हैप्पी बर्थडे टू। ये हमारे पास ब्राउनी आ गई है, नट्स इस पे हैं और ऊपर चॉकलेट है, सो ट्राई करके देखते हैं। खाओ खाओ आप, कार्ड तो दिया, नट्स हैं और साथ इसके चॉकलेट चल भी लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है आप चॉकलेट ही खा रहे हो फुल। ये देखो, ट्राई करके देखो। चलो ये खा लेते हैं। मुझे जैसे कैडबरी की तुमने खाई हो ना रोस्टेड आलमंड, मुझे टेस्ट आ रहा बहुत आला। इकोनॉमिकल डील्स के लिहाज से बेस्ट प्लेस है कि आप यहाँ आए और खाएं। एक अच्छी सिटिंग के साथ इकोनॉमिकल डील्स में आप पॉकेट फ्रेंडली बजट के साथ आप अच्छा टेस्ट कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ढूंढते हैं ना यार, हमें एक अच्छी एंबियंस के साथ अच्छा पिज्जा मिल जाए, आप जाके बैठ सकें, तो पापा जॉन्स बहुत आला। इसी के साथ अपना ब्लॉग इख्तिताम करते हैं सप्ते बन के साथ, क्या अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, और जैसा कि आप न्यूज़ देख रहे होते हैं एक दिमाग को आपके पकाने वाली न्यूज़ होती हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को हमेशा प्रमोट करें, और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।